जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। जो लोग इस बार क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और उनको फरवरी 2024 यानी कि आने वाली बोर्ड परीक्षा देना है, वो इसमें ये देख लें कि उनके हिंदी में उनको पढ़ना क्या है। अगर आप पूरा रट्टा मारकर पढ़ रहे हैं, जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। आप केवल उतना पढ़िए जितना सिलेबस है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन सिलेबस से ही आएंगे। तो हम देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है और पढ़ना आपको क्या है और कैसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी गद्य के विकास से। ये 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे जिनका आपको टिक मार के आंसर देना रहेगा। तो वो जो 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं यानी कि निबंध से, उपन्यास से, कहानी से और आलोचना से। इनको तैयार करने का सबसे आसान तरीका है ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी। कोई भी आप गाइड लेंगे, कोई सी भी अवतार है, क्वेश्चन बैंक है, मास्टर माइंड है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, राजीव प्रकाशन है, कुछ भी है, अगर आप कोई भी गाइड लेंगे तो उसके फ्रंट 2 पेज पर आपको कम से कम 200 से 300 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन्हीं 200 से 300 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपका शुरुआती का ये 5 नंबर जो 5 क्वेश्चन आएगा और हिंदी पद्य के विकास का यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता, ये 5 टॉपिक इसमें के, 5 टॉपिक इसमें के, 10 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आएगा और तैयार कहाँ से करना है। अगला तीसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्न। उसमें बोला जाएगा कि निम्न में से किसी एक गद्यांश का, गद्यांश के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश रहेगा और उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5ों को आंसर देना है और मिलेंगे आपको टोटल कितने नंबर, 5ों को मिलाकर मिलेंगे 10 नंबर। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है आपका का क्वेश्चन और इसके अलावा 4 क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं। या फिर अथवा में ये गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 5ों का आंसर आप देंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। और ये गद्यांश किस लेसन से पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पाठ के नाम मिल जाएंगे, जितने ये पाठ हैं इन्हीं पाठ में से आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन और रॉबर्ट नर्सिंग होम में निंदा रस, ये 6 आपके पाठ हैं हिंदी के। अगर आपने इनको पढ़ा है तो इनमें से अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इनका आंसर आसानी से कर लेंगे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा मोटा मोटा, उसके बाद आपको ये तैयार हो जाएगा कि कौन सा लेसन है और उसके लेखक कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इधर पूछा जाएगा, ये है हमारा किसी एक पद्यांश। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा गद्यांश, कि इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, सॉरी पद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश यानी कविता, और इसको पढ़कर इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये कविताएं कहाँ से पूछी जाएंगी आपके आपके पेपर में, तो ये कविताएं आएंगी इन सारे चैप्टर से, अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूतिका, फिर मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु और गीत, सुमित्रा नंदन पंत का बापू के प्रति, नौका विहार, परिवर्तन, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, पुरुरवा, उर्वशी, अज्ञेय का यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। इनमें से किसी पर भी आपको ऐसे कविताएं निकालकर आपकी किताब से दे देंगे। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि इसका आपको क्या करना है, इसका अर्थ बताना है, यानी जैसे आपको देखेंगे तो उपयुक्त पाठ के रचयिता का नाम पहले तो ये पूछ लिया आपसे कि किस लेसन से लिया गया है और इस लेसन का नाम क्या है, और एक क्वेश्चन आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या यानी कि इसका हिंदी लिखने के लिए, और 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी में आपको आंसर देना पड़ेगा, इसी में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप पहले का और अंतिम वाले क्वेश्चन का, इन दोनों क्वेश्चन को हल करके 4 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको इन सारे लेसन को पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लेसन है वो है पवन दूतिका, और इसके अलावा ये कभी कभी श्रद्धा मनु से आता है क्वेश्चन, और कभी कभी हिरोशिमा या मैंने आहुति बनकर देखा इनसे, और यहाँ पर अभिनव मनु से, ये 4 जो ऐसे लेसन हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिलहाल एक बार पढ़ लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे और जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं इन 3ों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, जो भी कविता दी रहेगी उसमें आपको मिल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पांचवे में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, पहला क्वेश्चन रहेगा, और पांच नंबर इसके मिलेंगे। साहित्यिक परिचय किस लेखक का आएगा, तो उस लेखक का आएगा जिस लेखक को अभी आपने पढ़ा है, यानी कि अभी आपने कौन सा लेखक पढ़ा है, राष्ट्र का स्वरूप के क्या है, वासुदेव सरण अग्रवाल जी हैं, पी जे अब्दुल कलाम हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, या जितने भी आपके लेखक हैं उन सभी का आपको साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है, कृतियां तैयार कर लेनी है। उन में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा आपको। दो या तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम पेपर का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर देखेंगे किसी एक लेखक का लिखना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दीनदयाल उपाध्याय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीन ऑप्शन मिल गए, तीन में से एक की ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं भी लिखनी है। इसी तरह आपको अगले क्वेश्चन में पांच नंबर का क्वेश्चन रहेगा, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। कवि में कौन आएंगे, जो अभी आपको ये दिख रहे हैं, सात कवि, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें से तीन कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट देखें तो इम्पॉर्टेंट होते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ये इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। इन चार को आप पढ़ते हैं तो कोई एक ना एक फंस जाता है, जैसे कि आपने देखा चार में से तीन यहाँ पर आए हैं पिछले वर्ष में। तो अगर आप इन चारों को पढ़ लेंगे साहित्यिक परिचय तो कवि में आ जाएगा और आपका इसी तरह से फंस जाएगा गद्य में भी, यानी कि लेखक के भी साहित्यिक परिचय में। अगला क्वेश्चन आता है कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखिए। इसमें चार कहानियां आपको पढ़नी है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। चार कहानियां पढ़ लेंगे तो सारांश और उद्देश्य दोनों आपका फंस जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट होता है पंचलाइट कहानी इंपॉर्टेंट है और बहादुर कहानी आपका इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कहानी का सारांश पढ़ लीजिएगा, उद्देश्य पढ़ लीजिएगा, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, पेपर में भी आप अच्छे से लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, खंड काव्य की कथा वस्तु तथा पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। खंड काव्य क्या होता है, इसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, या आप ऐसे यहाँ पर देखिए, हर जिले में अलग अलग खंड काव्य लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन सातवां है आपका, रश्मि रथी आया है, त्यागपथी आया है, श्रवण कुमार आया है, मुक्ति यज्ञ आया है, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है, इतने सारे आपके क्या हैं, ये सब खंड काव्य हैं। इन सारे में से क्वेश्चन आएंगे आपके जिले में या आपके विद्यालय में जो खंड काव्य पढ़ाया जाएगा उसी खंड काव्य से संबंधित प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, उसी खंड काव्य से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, खंड काव्य की बात हो गई और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत का गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, यानी कि संस्कृत में एक गद्य दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम इधर देखेंगे, ये है नहीं, इधर है, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे संस्कृत का एक गद्यांश है, ये देखिए पूरा एक गद्यांश है, दो गद्यांश मिलेंगे, पहला मिलेगा एक और एक अथवा में मिलेगा। तो या तो आप पहला हल कर सकते हैं या फिर आप अथवा वाला देखेंगे, दोनों में से किसी एक को आप हल कर सकते हैं। किसी एक को हल करने पर आपको मिलेंगे इसमें सात नंबर। इसमें आपको पहले क्या लिखना रहेगा, पहले इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, जो भी गद्यांश रहेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, फिर इसका आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। संदर्भ पर दो नंबर मिलते हैं, हिंदी अनुवाद पर पाँच नंबर मिलते हैं, टोटल आपको सात नंबर मिलते हैं इस एक क्वेश्चन के। और ये संस्कृत का गद्य कहाँ से आपके पेपर में आएगा, भौजस्य औदार्यम, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीया, पंचशील सिद्धांता, इतने चैप्टर हैं। गद्यांश मोस्टली अगर आप देखेंगे पिछले पेपर्स को उठाकर तो संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं महामना मालवीया, इन तीन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो संस्कृत गद्य आपसे यहीं से पूछा जाएगा। अगला आता है आपका खास आठवें का, ये भी सात नंबर का होता है, इसमें एक संस्कृत का पद्य पूछा जाता है, यानी कि संस्कृत की कविता पूछी जाती है। जैसे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका संस्कृत का गद्य था और ये एक संस्कृत का पद्य है। संस्कृत का पद्य मोस्टली आता है आपके इन लेसन से, सुभाषित रत्नानी, ये फिक्स है, सुभाषित रत्नानी से 100 में से 90 बार पूछा गया है, यानी लगभग हर बार सुभाषित रत्नानी से क्वेश्चन आते हैं, इसमें पद्य आता है। इसका भी आपको संदर्भ लिखना होता है, हिंदी अनुवाद करना होता है। संदर्भ पर आपको दो नंबर मिलते हैं और हिंदी अनुवाद पर आपको पाँच नंबर मिलते हैं, टोटल आपको सात नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको संस्कृत भाषा या महात्म में भी कोई एक श्लोक देखने को मिल जाएगा, जातक कथा में भी श्लोक देखने को मिल जाएगा, हर चैप्टर में श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ये आप सुभाष चंद्रनानी का श्लोक आप तैयार कर लीजिएगा, जातक कथा का श्लोक तैयार कर लीजिएगा और संस्कृत भाषा या महात्म का भी आप श्लोक तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में कोई ना कोई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा लोगों की और मुहावरे। दो नंबर का क्वेश्चन है, ये कहीं से भी पूछ लेते हैं, कोई गाइड आप ले लीजिएगा या आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया जाएगा वहाँ से आप इसे तैयार कर लेंगे। आगे आप देखेंगे संधि पूछा जाएगा, संधि आएगा तीन नंबर में, दीर्घ गुण यण अयादि, चार संधियाँ रहेंगी, चारों में से आपको क्या करने गए, तीन क्वेश्चन देंगे, तीन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। विभक्ति की पहचान करने की आएगी और कौन सी विभक्तियाँ पूछी जाएंगी आपसे, तो आत्मन, नमन, राजन, जगत, सरित, सर्वम, इदम, यद, ये सात जो आपके विभक्त वो हैं सद्रूप हैं, इनमें से आपसे संधियाँ पूछी जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चार क्वेश्चन और रह जाते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, दो नंबर का होता है। अनेकार्थी शब्द होते हैं, ये भी दो नंबर के होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दो नंबर का होता है। वाक्य शुद्धि, ये भी दो नंबर का होता है। ये कोई सिलेबस नहीं होता है, ये जो गाइड में होता है या जो आपके स्कूल वाले पढ़ाते हैं उसी में से ये आ जाता है, कहीं अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत या सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। काव्य सौंदर्य के तत्व है, रस में आएगा श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। पांच रस पढ़ेंगे, श्रृंगार, करुण, हास्य, आप तीन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये तीनों में से बहुत बार पूछा गया है। छंद आप पढ़ेंगे, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया छंद। और अलंकार में आपको सारे अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, शब्दालंकार में जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, आपको छः के छवों अलंकार पढ़ने पड़ेंगे तभी आपका ये हो पाएगा, नहीं तो होने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। सभी आप पढ़ लीजिएगा। तेरहवां क्वेश्चन है पत्र लेखन, पत्र लेखन तीन टॉपिक पर देते हैं, या तो किसी पद पर नियुक्त करने के लिए आवेदन पत्र ज्ञापन देना जाता है, या फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है, या फिर गांव या नगर के लिए अधिकारी को यानी नगर पालिका को या फिर जो भी आपके ग्राम में ग्राम प्रधान है उन सब को सफाई करने के लिए आवेदन पत्र आप लिखना पड़ता है। इन तीन टॉपिक्स पर आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। और निबंध आपका कहीं से भी पूछ लेते हैं, निबंध नौ नंबर में आता है, तो नौ नंबर करना है तो निबंध आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। निबंध लिखने की कला आप जान लेंगे तो निबंध आप कोई सा भी लिख लेंगे, क्योंकि रटना नहीं होता है निबंध, निबंध केवल सीखना होता है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो ये 14 क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, इन सारे क्वेश्चन के नंबर का वेटेज आप ऐड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 100 नंबर, इनको सॉल्व करेंगे 100 नंबर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, रस छंद अलंकार कहाँ से आएगा, पत्र लेखन कहाँ से आएगा, या फिर गद्य पद्य, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य, ये सारे कहाँ से आएंगे और कहाँ से इनको तैयार करना है ये भी आपको पता लग गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।